अब तक है तुम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। मुगिली जिला के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले खुड़िया धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी के अंतिम दिनों में भी अधिकारियों की शह पर कोटवारों द्वारा किसानों से वसूली करने का मामला सामने आया है। वैसे तो धान खरीदी की अंतिम तिथि बीत गया है और लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि 7 फरवरी के बाद भी कई धान केंद्रों में अवैध धान बेतरतीब तरीके से पहुंच रहा है, परंतु सोमवार को टोकन कटाकर धान बेचने आए किसानों ने शिकायत करते हुए जानकारी दी कि उनसे कोटवार के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं। कौन है बे चौथा ट्रैक्टर वाला? चल बैठा। स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले खुड़िया क्षेत्र का है, जहां पर धान बेचने आए किसानों के ट्रैक्टर गिनते हुए अधिकारी द्वारा किसानों से पैसे लिया जा रहा है। किसानों ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कई किसानों ने पैसे देने से मना किया तो अधिकारी द्वारा उनसे बदतमीजी करते हुए ट्रैक्टर और धान वापस ले जाने को कहा गया और अपनी बातें मनवाने का प्रयास किया जाता रहा, जिस पर वे काफी हद तक सफल भी रहे। बहरहाल यह पूरा मामला जांच का विषय है। निसंदेह अगर किसानों के साथ किसी प्रकार से गलत हुआ है तो इस पर सही तरीके से जांच किया जाना चाहिए और गलत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोरमी से पोखराज खांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।